हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट एंड लर्न पे। मैं हूं आप सबका दोस्त सी एस उमजन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वर्ल्ड स्टॉक मार्केट की टाइमिंग्स क्या हैं। हमारे व्यूअर्स की क्वेरी थी कि वर्ल्ड स्टॉक मार्केट की क्या टाइमिंग्स हैं एंड हम इसका बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। आप सब लोगों को पता है कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है एंड डेवलप कंट्रीज में इन्वेस्ट करती है। क्यों? डेवलप कंट्री जैसे यूएसए, जो एफआईआई है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये इतना ज़्यादा हैवी इन्वेस्ट इंडिया में क्यों करते हैं? क्योंकि इंडिया की अभी ग्रोथ होना बाकी है। जैसे यूएसए है, वो एक डेवलप कंट्री है, मतलब वहाँ पे अब जो ग्रोथ है स्टेबल हो चुकी है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि यूएस अभी 300% ग्रो कर जाए, 500% ग्रो कर जाए, 1000% ग्रो कर जाए, बट ये इंडिया के साथ पॉसिबल है। आपने देखा होगा जो इंडिया का स्टॉक मार्केट का बीएसई है वो 200 से स्टार्ट हुआ था और आज 40,000 चले गया था, अभी 30,000 आ गया। और आपको पता है कि हमारी प्रिडिक्शंस है 2030 तक बीएसई 140,000। यस फ्रेंड, 8 ईयर्स के अंदर अंदर ये 140,000 आ सकता है। ये एक न्यूज़ बेस है, मोस्टली टेक्निकल एनालिसिस का ये कहना है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड, इस वीडियो को एंड तक देखें एंड अच्छी लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और फ्रेंड, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि लाइक एक हमारे लिए मोटिवेशन की तरह काम करता है। हमें लगता है कि व्यूअर्स हमारी वीडियोस को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं और हमें एक मोटिवेशन मिलती है कि अगली वीडियो में मेरे को और मेहनत करके और नॉलेजेबल वीडियो बनानी चाहिए। तो आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं एशियन मार्केट से। ऑस्ट्रेलिया 200, फ्रेंड आपने भी सुना होगा कि इसका ऑस्ट्रेलिया 200 का रेलेवेंस इतना ज़्यादा स्टॉक मार्केट में नहीं है। और फ्रेंड ये भी जान लीजिए, जो आईएसटी का मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, मैंने बाहर की स्टॉक मार्केट का टाइम पहले ही इंडिया के टाइम से कन्वर्ट कर दिया है। तो बस आप इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने पास रख लीजिए, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो आप इस चार्ट के हिसाब से स्टॉक मार्केट को एनालाइज कीजिए। शंघाई कंपोजिट इंडेक्स और हैंग सेंग, फ्रेंड इन सब का एक लिमिटेड रेलेवेंस है इंडियन स्टॉक मार्केट में। फिर भी ये देखिए 7 बजे खुलती है, 12:30 बजे बंद हो जाती है और हैंग सेंग 1 घंटा लेट बंद होती है चाइना से। आप जैसे 9:15 बजे स्टॉक ट्रेड अपना स्टॉक मार्केट के लिए वेट कर रहे होते हैं जब प्री मार्केट सेशन चल रहा होता है, तो आप उससे पहले एक चाइना के हाल देख सकते हैं कि चाइना में क्या चल रहा है। अगर बहुत ज़्यादा गिरावट है तो उसका इम्पैक्ट आ सकता है इंडिया में, बट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है यूएसए का, क्योंकि यूएसए के जो एफआईआईज हैं वो सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में हमारे इंडिया की। तो फ्रेंड देखते हैं यूएसए का स्टॉक मार्केट का टाइम क्या है। ये फ्रेंड देखिए डाउ जोन इंडस्ट्रियल एवरेज, ये मोस्ट पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज है। जैसे हमारे यहाँ एनएसई मोस्ट पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज है, वहाँ पे डाउ जोन इंडस्ट्रियल एवरेज मोस्ट पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज है। ये रात के 8 बजे खुलता है और 2:30 बजे बंद हो जाता है। तो फ्रेंड आपको पता है कि हम अपनी वीडियोज़ में प्रैक्टिकल ज़रूर करना दिखाते हैं। और देखिए हमारा टाइम जो हो रहा है अभी वो 11:10 बचे हैं, इसका मतलब ये मार्केट खुला हुआ है और रात का समय है। तो अब स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मैंने डाउ जोन्स खोला हुआ है, आपको मैं बताता हूँ कि अभी खुला हुआ है, ये लाइव चल रहा है या नहीं। ये देखिए रिफ्रेश हो गया, अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा था ये 50 पॉइंट पॉजिटिव में था, अभी 11 पॉइंट नेगेटिव में आ गया है। अब देखिए हमें बस एक बार सुबह उठ के देख लेना चाहिए कि स्टॉक मार्केट नेगेटिव में चल रहा है यूएसए का या पॉजिटिव में चल रहा है। अभी नेगेटिव में चल रहा है तो हमारी थोड़ी बहुत पॉजिटिवली, मतलब ये इतना ज़्यादा नहीं गिरा है क्योंकि थोड़ा बहुत मूवमेंट तो बाज़ार में होना ही चाहिए। तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि हमारा भारतीय बाज़ार इससे नेगेटिव खुलेगा या पॉजिटिव खुलेगा। आपको मैं थोड़ा बहुत डाउ जोन्स के बारे में बता देता हूँ। ये जैसे हमारे बीएससी के अंदर 30 कंपनीज होती हैं, लार्ज कंपनीज होती हैं जो लिस्टेड होती हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, ये उनका एवरेज होता है। ऐसे ही डाउ जोन्स भी 30 लिस्टेड कंपनीज का एवरेज है। और हमारा दूसरा जो मेजर स्टॉक एक्सचेंज है यूएसए के अंदर वो है नैसडैक। नैसडैक के अंदर क्या होता है, हमारी अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जो जैसे अगर रिलायंस को लिस्टेड होना है तो नैसडैक पे लिस्टेड होती है, क्योंकि हमारी जो इंडियन कंपनी है वो बाहर जाके अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट या ग्लोबल डिपॉजिट रिसिप्ट से पैसा उठाती हैं। तो जो हमारी इंडियन कंपनीज हैं अगर उन्हें अमेरिका में पैसा उठाना है तो उन्हें ADR की हेल्प लेनी पड़ती है। ये आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं, स्टॉक मार्केट ऑफ द कॉमन स्टॉक एंड सिमिलर सिक्योरिटी ADR। आइए तो जान लेते हैं कि हमारी कौन कौन सी कंपनीज यूएसए में लिस्टेड हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये भी मैंने अपना पूरा होमवर्क रखा है, मीन्स आपको पूरी मैं नॉलेज दे के रहूँगा, आपको पूरा समझा के मानूंगा। अब ये देखिए हमारी इन्फोसिस का ADR, ये 1% नीचे है। ये ICICI बैंक ADR 4.09% नीचे है। अगर किसी हमारे व्यूअर ने
आईसीआईसीआई बैंक को शॉर्ट कर रखा है, तो बल्ले बल्ले उसको हम कॉन्ग्रेचुलेशंस करते हैं, उसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। हमारा एचडीएफसी बैंक के इतने अच्छे रिजल्ट आए थे, ये फिर भी 2.40% नीचे है। टाटा मोटर्स भी कल नीचे खुलने की तैयारी कर रहा है, वेदांता लिमिटेड भी 3.10 नीचे खुलने की तैयारी कर रहा है, विप्रो भी नीचे खुलने की तैयारी कर रहा है। तो इसे तो देख के लग रहा है कि हमारा स्टॉक मार्केट कल नीचे खुलने की तैयारी कर रहा है। तो फ्रेंड, एक स्टैंडर्ड एंड पुअर, हमारा S&P, इसमें फॉर्चून 500 कंपनीज होती हैं जो इंडिया अमेरिका में फॉर्चून मीन्स सबसे बेस्ट ज़्यादा काम कर रही हैं। ये सिंपली द S&P स्टॉक मार्केट इंडेक्स, मेजर द लार्ज कंपनी, इसके हाल देख लेते हैं। इसे एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये देखिए फ्रेंड, ये ऊपर है हमारा S&P, डाउ जोन्स नीचे है, और हमारा जो नैसडेक है वो रिफ्रेश करके देख लेते हैं, वो 44 पॉइंट्स ऊपर, 44 पॉइंट्स ऊपर है। बट हम देख लेते हैं कि हमारी इंडियन कंपनीज का क्या हाल है नैसडेक में। इन्फोसिस का मैंने आपको बता दिया, तो हमारा जो बैंक निफ्टी कल नीचे खुलने की तैयारी कर रहा है। तो फ्रेंड ये देखिए इंडिकेटर्स हैं स्टॉक मार्केट के, जिससे देख के थोड़ा आइडिया लग जाता है। मैंने ही कहता कि 100% फुल प्रूफ काम करते हैं, क्योंकि FII ने अगर वहाँ पे पैसा पैसा निकाला है, अगर इंडिया के सेंटिमेंट्स अभी बिगड़ नहीं रहे हैं, तो वो वहाँ से निकाला हुआ पैसा इंडिया में इन्वेस्ट कर देते हैं। बट बहुत ज़्यादा ऐसे वेरी नहीं होता है, मोस्टली जो USA में होता है वही हमारे इंडिया में होता है। तो अब आप कल इस वीडियो को कंफर्म करके अगर आप कल देखें, तो इस वीडियो पे थम्स अप का कमेंट करना कि आपका जो एनालिसिस था कुछ काम आया, और ICICI का स्टॉक और HDFC का और इन्फोसिस का स्टॉक नीचे खुला, और टाटा मोटर्स का भी। हम रिलायंस का भी देख लेते हैं कि क्या भाव चल रहा है, क्योंकि फेसबुक के डील के बाद रिलायंस बहुत तेज़ी से भागा है। ये थोड़ा रिफ्रेश होने के टाइम ले रहा है। ये देखिए हमारा रिलायंस भी कल ऊपर खुलने की तैयारी कर रहा है। तो जिन लोगों ने रिलायंस ले रखा है, मेरे पास भी 5 स्टॉक्स हैं रिलायंस के, 900 के ऊपर मैंने भी पूरा पोर्टफोलियो बना रखा है। तो फ्रेंड मेरे को भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, मेरे को भी पर शेयर पे 600 का बेनिफिट हो रहा है। तो अब देखते हैं, मैंने आपको USA का पूरा होल मार्केट एनालिसिस बता दिया कि हम ADR को कैसे देखते हैं, हमारे 3 स्टॉक एक्सचेंज हैं, हम कैसे उसका बेनिफिट ले सकते हैं और उसका कंक्लूजन कैसे निकाल सकते हैं। ये देखिए इंग्लैंड का स्टॉक मार्केट FTSE 100, ये इतना काम नहीं करता है इंडियन स्टॉक मार्केट में। CAC 40, इसे फ्रेंड आप देख सकते हैं, इसकी जो टाइमिंग है 12:30 बजे से दोपहर के, अब रात के 10:45 तक है, ये बंद हो गया होगा, नहीं तो मैं आपको इसका भी दिखा देता। और ये जर्मनी का डैक्स, ये फ्रेंड ये भी हमारे लिए थोड़ा बहुत रेलिवेंट होता है, 1:30 बजे से ये शाम के 8 बजे बंद होता है। तो फ्रेंड आपको मेनली क्या क्या देखना है, आपको एक टाइम तो अब पूरा अच्छे से याद कर लेना है, शाम के 8 बजे से रात के 2:30 बजे तक, शाम के 8 बजे से 2:30 बजे तक आप सुबह ज़रूर देखेंगे। रात को अभी आप बैठे हों और अगर रात को आप मेरी वीडियो देखें, तो आप ज़रूर ध्यान रखेंगे कि 8 बजे, अगर 8 बज गए हैं तो हमें US की स्टॉक मार्केट को एक बार स्टडी करना है, और सुबह की स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंगली बनानी है। और सुबह स्टॉक इंडियन स्टॉक मार्केट को देखने से पहले आप डाउ जोन्स को एक बार परख लें और देख लें आपको किस तरह ट्रेड लेना है। तो थैंक यू फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। इस प्लीज़ अगर अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो, तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे को बताएं आपको कौन सा टॉपिक है जो आप सुनना चाहते हैं। थैंक यू फ्रेंड, बाय बाय।